इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है, होता आया है और पता नहीं कब तक होता रहेगा। अब इस पर एक्ट्रेस खुलकर बोलने लगी हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस स्नेहा जैन ने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को लेकर खुलकर बात की है। वाकई में उनकी जो कहानी है वो चौंका देने वाली है। हेलो, मैं हूँ मेघना और आप देख रहे हैं डेली वर्ज इंडिया। स्नेहा ने पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में गहना का किरदार निभाया है। हाल ही में स्नेहा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को शेयर किया। स्नेहा जैन ने कहा कि एक बार एक डायरेक्टर ने मेरे सामने एक सिचुएशन रखी और कहा कि ये मुझे तभी मिलेगी जब मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स पर खरी उतरूंगी। मुझे साउथ के एक डायरेक्टर का कॉल आया और उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट पर बेस्ड थी। वो एक लव स्टोरी थी जिसमें तीन कपल का मेन रोल था। मैंने उन्हें अपनी प्रोफाइल और फोटोज भेजी और अगले ही दिन मुझे उनका फोन आ गया। स्नेहा को बताया गया कि अगर वो इस फिल्म के लिए तैयार हैं तो पहले उन्हें फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने हैदराबाद आना पड़ेगा। ऐसे में स्नेहा ने कास्टिंग डायरेक्टर को बातों बातों में कह दिया कि मैं आ जाऊंगी, मैं आने को तैयार हूँ, साथ में मेरी मदर भी रहेंगी। तो ये बात सुनकर कास्टिंग डायरेक्टर का दिमाग हिल गया। तब कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि आपकी मदर वहां पर आकर क्या करेंगी, आपका पूरा दिन तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग में ही बीत जाएगा। स्नेहा ने कहा कि मैं तो ऐसे ही जाती हूँ अपनी मीटिंग्स के लिए और ऐसी ही मिलती हूँ। तब कास्टिंग डायरेक्टर ने ये खुलासा किया कि आपके वहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो कुछ भी करने को बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाने के बाद आपको होटल्स वगैरह की डिटेल मिल जाएगी। स्नेहा ने कहा कि मैंने ये सब बात सुनकर फिल्म को ही रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बावजूद भी डायरेक्टर मुझे लगातार कॉल करता था, मुझे मैसेज करके बार बार फिल्म में काम करने को कहता था और ये भी कहता था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सी एक्ट्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं इस फील्ड में, आपको क्या प्रॉब्लम है। इस तरह की बात कास्टिंग डायरेक्टर ने स्नेहा को बोली। एक बार फिर जब डायरेक्टर का कॉल आया तो स्नेहा ने कहा, फाइनली मैंने चिल्लाकर बात की, आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मैं इस तरह की घटिया ऑफर्स के लिए तैयार नहीं हूं और ना ही मैं फिल्म का हिस्सा बनना चाहती। तब जाकर उस कास्टिंग डायरेक्टर के कॉल्स आने बंद हुए। ये तो एक एक्सपीरियंस है, वो भी उस लड़की का जिसने अपनी आवाज उठाने की हिम्मत की। ऐसी कई लड़कियां हैं जो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हैं और हो सकता है कि आज की डेट में वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई हों कि अब उन्हें इस टॉपिक पर बात नहीं करना पसंद हो। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां जो एम्बिशन लेकर आती इंडस्ट्री में और अगर उनका सामना इस तरह के लोगों से होता है तो वाकई में बहुत ही घटिया बात है इस इंडस्ट्री की। हालांकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बट हाँ, अक्सर कास्टिंग काउच को लेकर खबरें आती रही हैं। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।